गुड मॉर्निंग टू आवर स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन दैट इज इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और लास्ट क्लास के में अपन डिस्कस कर रहे थे उसकी सम इम्पोर्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, जब वो उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये किया था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनाया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आई थिंक इस फॉर्म में बनाया था। उसी ऑर्डर में अपन उसको कंटिन्यूस रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा और बीटा मीन्स क्या है, एंगल है, अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। आई नो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वैसे कोट अल्फा कोट थीटा क्या बनता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वहां अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर देंगे अपन थीटा से, ठीक है। तो इसके एलएचएस साइड देखो क्या अपने पास दिया है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, अपने पास ये साइड है। इसको प्रूव कर रहे हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सेम से टेन अल्फा का बना देंगे, क्या बनेगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, क्लियर स्टूडेंट। प्लस बीटा का है तो एंगल इसमें भी चेंज कर देंगे, साइन बीटा साइन सॉरी कोस बीटा डिवाइड, ये देखो ये कोट अल्फा का फॉर्मूला है तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एंगल चेंज कर देंगे इसमें, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस ये कोट बीटा है तो क्या बनेगा, कोस बीटा साइन बीटा, क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इस अपर साइड का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली साइड का भी क्या लेंगे, एलसीएम, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप में लेंगे। तो ये तो आपका हो गया डिवाइडेड टोटली, और ये देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा, ये बनेगा एलसीएम। कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल क्या रह गया, कोस बीटा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, कोस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन बीटा कोस अल्फा, ओके स्टूडेंट। एंड लोअर टर्म का एलसीएम क्या बनेगा बताओ, लोअर का बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बनेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, क्लियर। साइन अल्फा टू साइन अल्फा कैंसिल आउट, क्या रह गया, साइन बीटा कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा टू साइन बीटा कैंसिल आउट, वी हैव साइन अल्फा मल्टीप्लाई विद कोस बीटा तो क्या बनेगा, कोस बीटा साइन अल्फा, क्लियर है। इस साइड में अपना चल रहा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, यहां तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। अब ये देखो ये जो लाइन है किसको शो कर रही है, इसको और इसको डिवाइड कर रही है, इसको मैं इनटू में चेंज करूंगा, देखो किस फॉर्म में, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा डिवाइड, क्या रहेगा, कोस अल्फा कोस बीटा, ओके स्टूडेंट। ऐसे देखो ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को मैं इनटू में चेंज कर रहा हूं तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कैसे होगी, रिवर्स हो जाएगी उसकी, साइन अपॉन, जैसे क्या है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर किसमें चेंज होता है, डिनोमिनेटर में, ये अपर और लोअर साइड इंटरचेंज हो जाती है ऐसे। तो देखो साइन अल्फा को साइन बीटा तो ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा तो अपर साइड में, डिवाइड क्या रहेगा अपने पास, ये रहेगा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर, ये बनेगा। अब देखो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस है फिर क्या है, कोस अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा साइन बीटा, ये सारी की सारी कंप्लीट टर्म किससे कैंसिल आउट होगी, अपर वाली टर्म से, ये देखो क्या बन जाएगी नेक्स्ट टर्म में अपने पास, इस साइड में देखना इन एलएचएस साइड दैट इज टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन में है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल्स टू, अपर साइड में तो क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा,
साइन अल्फा साइन बीटा, लोअर साइड में क्या रह गया कोस अल्फा कोस बीटा, क्या रह गया कोस अल्फा कोस बीटा। क्लियर स्टूडेंट, साइन टेन अल्फा टेन बीटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। देखो ये साइन अल्फा एंगल एंगल सेम है ना, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या बनेगा टेन अल्फा, टेन अल्फा इंटू है तो इंटू, और साइन बीटा एंड अपॉन में कोस बीटा क्या बनेगा टेन बीटा। ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपने पास क्या था, ये एलएचएस साइड थी, फर्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे जहां तक पॉसिबल हो अपन उसको किसमें चेंज करेंगे साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है साइन और कोस में साइन अपॉन कोस, कोट थीटा का भी फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम थीटा को किससे रिप्लाई कर दिया रिप्लेस कर दिया अल्फा एंड बीटा से, यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद में अपर साइड का एलसीएम और लोअर साइड का एलसीएम और डिवाइड वाली सेम रहेगी। क्लियर, नेक्स्ट डिवाइड वाली को अपन ने किसमें चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी चेंज हो गई इस फॉर्म में। फिर यहां से जो कैंसिल आउट था वो कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट होने के बाद में साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, और आगे वाला साइन अपॉन कोस अगेन क्या बन जाएगा टेन बीटा। तो अपने पास प्रूफ क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखो एक बार इसको, नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, वी हैव इन एलएचएस साइड साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस कोस टू द पावर फोर थीटा डिवाइड साइन टू द पावर टू माइनस कोस टू द पावर टू इज इक्वल्स टू वन। ओके सो वी टेक एलएचएस साइड साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस कोस टू द पावर फोर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट ए वन आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस आइडेंटिटी यूज इन एलएचएस साइड साइन टू द पावर फोर एंड दिस ए टू द पावर टू, सो साइन टू द पावर फोर इन चेंज ए स्क्वायर, इट्स मींस वी राइट साइन थीटा होल स्क्वायर। व्हाई, पावर के ऊपर पावर बनती है वो क्या होती है ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या बनेगी साइन टू द पावर फोर माइनस कोस स्क्वायर होल स्क्वायर। तो कितने में से कितनी पावर है फोर, फोर पावर है एंड दैट इज सेम। क्लियर, दैट इज सेम। ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी, ए मीन्स साइन स्क्वायर और बी मीन्स कोस स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, डिवाइड क्या बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो आप, अपने पास साइन की पावर फोर एंड कोस की पावर फोर थी, तो अपन ने इसमें क्या बना दी पावर टू टू के ऊपर कर दिया, तो वो क्या होगी पावर्स के ऊपर पावर होती है वो ऑलवेज क्या होती है मल्टीप्लाइंग हो जाएगी। बट ऐसे करने में अपने पास कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इन दिस साइड फोर कोस टू द पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, क्या रह गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सो साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस कोस टू द पावर फोर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, वेरी गुड दैट इज वन। सो वी हैव आवर हैंड्स प्रूव, देखो इसको आपने क्या किया था, सबसे पहले पावर फोर फोर थी ना उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद में आपने क्या किया है इसको सोल्व किया। ओके वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13, sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू sec थीटा. वी हैव इन LHS साइड sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू में cot थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर, इज इक्वल्स टू. ये देखो sec थीटा मीन्स वन अपॉन cos डायरेक्ट माइनस cos इज ऑलवेज सेम, cos एंड साइन ऑलवेज सेम और अदर चेंज इनटू साइन एंड cos. cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन प्लस tan का मीन्स साइन अपॉन cos, क्लियर. अपने पास क्या रह गया, sec को चेंज कर दिया वन अपॉन cos में, cos सेम रह गया, cot को चेंज कर दिया cos अपॉन साइन में, tan को चेंज कर दिया साइन अपॉन cos के अंदर, क्लियर. एलसीएम देखो इसके अपॉन में वन बना सकते हैं, तो एलसीएम क्या बनेगा यहाँ पे cos थीटा इंटू डिवाइडिंग cos दैट इज वन, वन इंटू वन वन, cos को वन से क्या cos, cos को cos से इंटू करेंगे cos स्क्वायर थीटा. इन दिस टर्म एलसीएम साइन थीटा एंड cos थीटा, साइन इंटू cos, साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू आई, क्लियर. डिवाइड इंटू तो cos साइन साइन कैंसिल आउट, क्या रह गया cos, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर. सिमिलर आगे क्या बनेगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है. वन माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, क्लियर. साइन स्क्वायर cos थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अदरवाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑलवेज वन, वन अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, क्लियर. ये इंटू में है ना, तो वन साइन से एक साइन तो कैंसिल आउट रह गया, क्या रह गया अपने पास, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू में वन अपॉन cos, वन अपॉन cos तो रहेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या बनेगा tan थीटा इंटू वन अपॉन cos क्या होगा sec थीटा, sec थीटा. तो अपने पास क्या चलेगा, sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा. ये आपके पास क्या हो गया, आपके लास्ट में प्रूव हो गया, ये आपका आंसर प्रूव हो गया. देखो अपने पास ये था sec थीटा माइनस cos एंड cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan और cot, sec में लाना था, सारी की सारी अपने किसमें चेंज कर दिया sin एंड cos में, बट आपको ये ध्यान रखना है साइन एंड कोस वो सेम रहेंगे ऑलवेज, वो चेंज नहीं होते. इसमें चेंज कर दिया एलसीएम उस साइड में ले लिया, वन माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर पुट कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बना था उसको वन, इससे ये कैंसिल आउट हो रहेगा, बाकी जो रह गया वो आपका क्या हो गया हैंस प्रूव्ड में आ गया. देखो एक बार इसको, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन cot स्क्वायर अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. आप tan थीटा से इसको sin अपॉन cos और इसको cot थीटा से cos अपॉन sin से भी बना सकते हो, अदरवाइज इसका सेकंड फॉर्म ये भी है उसमें भी एलसीएम वगैरह लोगे तो ये अनस्क्रूड हो जाएगा. और नेक्स्ट इसके सेकंड फॉर्म में अपने पास एलएचएस है वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा एंड दैट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन. तो ये देखो इसको तो सेम रहने दो, आप वैसे भी बना सकते हो tan थीटा को sin अपॉन cos, cot थीटा को cos अपॉन sin, फिर ऐसे मॉडल लेंगे तो उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा है बस. देखो वन माइनस tan स्क्वायर रहने दो, cot का मीन्स क्या होता है वन अपॉन tan की फॉर्म में, वाई क्योंकि ये कंप्लीट जो RHS है ना ओनली क्या रही है tan की फॉर्म में आ रही है, तो कंप्लीट क्वेश्चन को इन LHS साइड में सारे के सारे टर्म्स को किसमें चेंज करेंगे, पर cot में tan में चेंज करेंगे, क्लियर है. तो ये क्या बनेगा अपने यहां tan की फॉर्म में वन अपॉन tan स्क्वायर अल्फा बना सकते हैं माइनस वन, क्लियर है, बना सकते हैं इसको. तो ये क्या रह गया अपने पास, वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन वन का एलसीएम क्या बनेगा वन, tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा ना इन दोनों का, tan स्क्वायर और वन का, तो tan स्क्वायर को वन से डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर, और ये क्या बन गया वन माइनस
टेन स्क्वायर को वन से किया, टेन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है। अब ध्यान करो, ये इसकी अपर साइड है, ये इसकी लोअर साइड है, तो अपर साइड तो कौन सी अपने पास, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कंप्लीट अपर वाली इनटू, ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड इसको मैंने इनटू में किया, तो लोअर टर्म किसमें चेंज हो जाएगी, टेन स्क्वायर अपर एंड वन माइनस टेन स्क्वायर ये, क्लियर है, कोई दिक्कत है। ध्यान रखना ये इसकी अपर वाली साइड है, ऊपर वाली यार, एंड ये नीचे वाली सेम से, तो ये देखो अपॉन वन करेंगे तो ये कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, टेन स्क्वायर अल्फा रह गया, टेन स्क्वायर वन रह गया, टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन रह गया, इट्स मींस क्या होगा अपने पास, टेन स्क्वायर अल्फा, तो अपने पास वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर माइनस वन इजिकल्स टू क्या रह गया, टेन स्क्वायर अल्फा आपका आंसर आ गया। देखो इसको एक बार, क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है, देखो साइन ऑफ थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसकी एलएचएस साइड देखो क्या है, एलएचएस साइड अपने पास साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। अब इसका क्या करना है, तो ऑलरेडी क्या है साइन एंड कोस के फॉर्म में, और अपने जो आरएचएस साइड है वो भी साइन एंड कोस के फॉर्म में आ रहा है, तो जब भी अपने पास साइन एंड कोस के फॉर्म में हो और नीचे अपने साइड में क्या हो प्लस माइनस में आ रहा, तो इसको अपन क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, वन अपॉन वन माइनस कोस थीटा, रेशनलाइज अपन लास्ट क्लास में देख रहे, तो माइनस तो मिड में किसका साइन यूज करेंगे, प्लस का, और उस टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, ध्यान रखना सेम सेम टर्म ही होगी, क्लियर है, तो अपर अपर साइड में अपना क्या बन जाएगा ऊपर की तरफ, और वन प्लस कोस थीटा, इसमें क्या बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मीन्स वन स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर, वन की स्क्वायर क्या बनेगी साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा, वन की स्क्वायर वन, कोस की स्क्वायर क्या रह जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, इस साइड में अपना क्या चल रहा है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा, ये देखो वन माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, क्या बनेगा साइन स्क्वायर, वन साइन से वन साइन कैंसिल आउट, क्या रह गया अपने पास अपर तो रह गया अपर साइड वन प्लस, और नीचे क्या रह जाएगा अपना साइन थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट में हंस प्रूव्ड आ जाएगा, क्या आ गया आपका हंस प्रूव्ड। देखो इसको एक बार, केवल आपने क्या किया रेशनलाइजेशन किया है, वन माइनस कोस थीटा था तो इंटू में कर दिया वन प्लस कोस थीटा, और डिवाइड भी कर दिया वन प्लस कोस थीटा से, नेक्स्ट अपने पास क्या आइडेंटिटी यूज हुई ए माइनस बी इंटू ना ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी, वन की स्क्वायर वन हो गई, कोस की स्क्वायर तो आ गई कोस, वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ऊपर वाले साइन से एक नीचे वाला साइन कैंसिल आउट हो गया, नीचे एक साइन रह गया, और वही क्या आपका आंसर, ओके अंडरस्टूड, वेरी गुड, हैव ए वंडरफुल डे।